One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. महेश जी, आपने गौतम बुद्ध नगर में कार्यभार संभाला है, पहली प्राथमिकता क्या होंगी आपकी? सबसे पहले तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वच्छता अभियान है और उनकी मंशा है कि ये केवल अभियान न बन के रह जाए, इसको अमलीजामा पहनाया जाए, मूर्त रूप दिया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले तो पूरे कार्यालय की जो है साफ़ सफाई और नॉट ओनली केवल ये फर्श और दीवारों की साफ़ सफाई, हर प्रकार की जो भी गंदगी कार्यालय में व्याप्त है उसको समाप्त करना मेरी कुछ प्राथमिकता है। और उसके बाद चूँकि कार्यालय एक छोटे से एक भवन में चल रहा है जो कि टेम्परेरी प्रकार की बिल्डिंग है, तो दूसरी प्राथमिकता मेरी है कि मैं इसको इसके सही भवन में पहुंचा सकूं। उसके लिए मैं प्राधिकरण जो यहाँ की संस्था है उससे मेरी वार्ता चल रही है, उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी मैं करूँगा और इसको इसका भवन दिलाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। विभाग ने कुछ स्कूल बसों के लिए कुछ नियम बना रखे हैं, मगर देखा जाता है कि स्कूल बस के चालक होते हैं वो नियमों को नहीं पालन करते, जिसकी वजह से बच्चों की जान जोखिम में रहती है, इसके बारे में क्या क्या नियम है? ऐसा पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्कूल में दो प्रकार की बसें लगी होती हैं, एक स्कूल खुद ओनर होता है जो स्कूल बस में उसको पंजीकृत कराता है, उन सब के अंदर वो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं क्योंकि उनकी फिटनेस हमारे किसी परिवहन कार्यालय से ली जाती है। परंतु स्कूल में ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि एक प्रकार की बस होती है जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज लेकर के और स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट करके चलती है, उनमें यदि किसी में कोई इस प्रकार की कमी पाई जाती है तो परिवर्तन अधिकारी हमारे जो रोड पर कार्य करते हैं वो इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं और हम भी अपने यहाँ से नियमित नोटिस जारी करते हैं कि जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कैरेज लेकर के और स्कूल में लगाते हैं तो स्कूल की जितनी भी जो पैरामीटर्स हैं उनके अनुसार बस को बना करके जो है चलाएं, लेकिन फिर भी यदि चलाते हैं तो परिवर्तन अधिकारी हमारी कार्रवाई करते हैं। सड़कों पे अभी भी डग्गा मारे वाहन और ई रिक्शा जैसे वाहन चल रहे हैं, उनके बारे में आपकी कैसी प्रणाली रहेगी? अब जो डग्गेमार वाहन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, डग्गेमार वाहन पर बहुत ही बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया जा चुका है। हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने इसके लिए विशेष सघन अभियान चलवाए हैं, पूरे प्रदेश में अभियान चलवाए हैं और फिर भी जो अभी थोड़ी बहुत कमी रह गई है, मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रवर्तन अधिकारी, ये कार्य परिवर्तन के क्षेत्र का आता है तो प्रवर्तन अधिकारी हमको लगता है कि बहुत शीघ्र उस पर पूरी तरह अंकुश लगाते हैं। बात करें ई रिक्शा की, जो अभी नोएडा के अंदर 2500 ऐसे रिक्शा हैं जो बिना नॉन परमिशन चल रहे हैं, वो भी अपनी मांगे भी लिख कर रहे हैं, मगर जो कुछ ई रिक्शा वाले ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो गवर्नमेंट ने तय कर रखी है उनको देने में असमर्थ है, क्या उनके लिए कुछ हेल्प वगैरह की जाएगी? इस प्रकार की मदद मेरे स्तर से कोई संभव नहीं है, क्योंकि जो ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन राशि है वो सब शासन स्तर पर निर्धारित की गई है और शासन स्तर पर उसको परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु उनको फैसिलिटेट करने का काम मैं कर सकता हूँ। यदि उनको पंजीयन में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, प्रपत्र यदि पूर्ण है उनके, उसके बाद भी पंजीयन में कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनको निश्चित तौर पर दूर कराऊँगा।